आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सर्वप्रथम ये बताएं कि क्या आपको सही दिखाई दे रहा है, आवाज़ सही आ रही है और सही दिखाई दे रहा है क्या, ये बताएं आप। इसको इसको साइड में करो सर, इसको ये जो आ रही है ना चेट, चेट तो आएगी, यहाँ नहीं आनी चाहिए यार, दिखती नहीं है। क्या आवाज़ सही आ रही है और साफ सुनाई दे रहा है क्या? एकदम सही दिख रहा है, ये सही जी, ये सही दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है, आवाज भी सही आ रही होगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय गुरुजी घनश्याम जी पारिक को हम दोनों साथी प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज की वार्तालाप की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सुबह ही आपको सूचित कर दिया था आदरणीय गुरुजी ने, ये हमारा सौभाग्य है। इस ऐसी चीज़ें सौभाग्य से ही होती हैं, बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए और गर्व करने वाली बात है कि एक महान शख्सियत से आज रूबरू होने का अवसर हिंदी विद घनश्याम पारिक चैनल के विद्यार्थियों को मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार सफलताएं प्राप्त की हैं और वो भी हमेशा ही बहुत ही अच्छी रैंक के साथ। और ऐसी शख्सियत जिसने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, परिस्थितियां भी ऐसी कि एक सामान्य आदमी उनको, उनके बारे में सुने तो भी उसके होश उड़ जाएं, ऐसी परिस्थितियों में जिस महान शख्सियत ने चार चार सफलताएं प्राप्त की हैं उससे रूबरू होने का आज हमें अवसर मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर विष्णु कुमार शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आदरणीय गुरु जी घनश्याम जी पारिक का और साथ ही जगदीश जी का, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से रूबरू होकर। सभी को नमस्कार, सभी का अभिवादन, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद सर। विभिन्न परीक्षार्थी जो हैं, कई तरह तरह के प्रश्न भी उनके आ रहे हैं, आपके जो सवाल हैं उनको भी हम लेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें सर से जान लेते हैं कि सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं अपने श्रोताओं के लिए कि आपका चयन किस किस परीक्षा में हुआ है, कौन कौन से पद पर आप चयनित हुए हैं, सर्वप्रथम ये बताएं आप। सर, सर्वप्रथम मेरा 2010 में 21 अक्टूबर को एक एग्ज़ाम दिया था सेकेंड ग्रेड का, संस्कृत डिपार्टमेंट में, उसमें 86 रैंक पर मेरा चयन हुआ था। उसके बाद 21 दिसंबर को मैंने फिर एक एग्ज़ाम दिया था, वो था जनरल डिपार्टमेंट का, और उसमें भी मेरा चयन हो गया था 71 रैंक पर। उसके बाद में 2013 की वैकेंसी जो थी फर्स्ट ग्रेड की, जिसका रिजल्ट आया था, तो उसमें 2014 में शायद उसका रिजल्ट आया था, उसमें भी 26वीं रैंक पर सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद कॉलेज लेक्चरर, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम जॉब था, उसमें मेरा चयन ऑल राजस्थान 6 रैंक पे हुआ था। 2014 की कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी थी जी। जी सर, ऐसा क्या सूत्र है आपके पास? आपने अभी विद्यार्थियों को बताया चार चार नौकरियों के बारे में, और मेरे विचार से सिंगल भी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं थी जिसमें आपके सोच से ज़्यादा रैंक आई हो, अंडर 100 सभी। जी सर, बिल्कुल। और पूरे राजस्थान में 6 रैंक, 26 रैंक, ये प्राप्त करना अपने आप में मेरे विचार से बहुत ही गर्व करने वाली और आपके लिए ही नहीं, हम सबके लिए ये विचार करने वाली बात है कि आपके पास ऐसा क्या है, ऐसी क्या ट्रिक्स हैं आपके पास, ऐसा क्या करते हो आप कि आप इतनी अच्छी रैंक ले आते हैं, थोड़ा बताएं हमें। साथियों, आपको एक बात बताऊं कि आप हमेशा अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति, अपने सिलेबस के प्रति जागरूक रहें, सजग रहें,
और मेहनत करते रहें, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक सही मार्गदर्शक मिले, ये बहुत आवश्यक है। अगर आपको किसी परीक्षा में सही मार्गदर्शक मिल जाता है, जिसका मेरे पास में उस वक्त बहुत ही, मैं यूँ कह सकता हूँ, अभाव था, मुझे सही टाइम पर कोई गाइड करने वाला मिल नहीं पाया था, मैंने काफ़ी प्रयास किए थे, और तब जाकर एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, निरंतर मेहनत करने के साथ, और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि परीक्षा अगर आपको RPSC की पास करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तैयारी से काम नहीं चलेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता जितनी बड़ी होगी, मेहनत उससे बड़ी आपको करनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सही कह रहे हैं सर। सर, विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि विष्णु जी की इतनी अच्छी अच्छी रैंक आई है, और शायद विष्णु जी तो बहुत ही कोई खाते पीते परिवार से होंगे, बहुत पैसे वाले परिवार से होंगे, ऐसा लगता नहीं कि सर की लाइफ में कोई परेशानी आई होगी, तो क्या बेरोजगारी में कोई समस्याएं भी आपके सामने आई? बिल्कुल सर, मतलब आपको मैं बहुत बड़ा अजीब वाकया बताता हूँ। 2008 में शिक्षा शास्त्री करके जब मैं आया था पहली बार, और बेरोजगारी का जब आलम था, तो उस वक्त बेरोजगारी के आलम में जब मैं, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, हालांकि माता पिता ने कभी भी मुझे प्राइवेट जॉब के लिए या किसी अन्य काम के लिए प्रेशराइज नहीं किया था, दबाव नहीं बनाया, उन्होंने हमेशा किसी भी बड़े से बड़े संकट में भी मुझे हमेशा यही कहा कि अपनी तैयारी पर ध्यान दो, तैयारी करो। फिर भी मुझे, जब मैं पहली बार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए गया, तो स्कूल में जब जाकर मैंने पूछा कि संस्कृत टीचर के लिए कोई वैकेंसी है क्या, उस वक्त वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि संस्कृत का टीचर तो हमें नहीं चाहिए, अगर आपके पास कोई इंग्लिश टीचर हो तो आप पढ़ा सकते हैं। और ये मेरे साथ थोड़ा सा सौभाग्य रहा कि इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड रहा मेरा शास्त्री में, तो मैंने उनको यही कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ा लूँगा, लेकिन मुझे इस जॉब की आवश्यकता है। 12th क्लास तक इंग्लिश और संस्कृत दोनों विषय पढ़ाने शुरू कर दिए। तो समस्या, देखो बेरोजगारी, मैं आपको एक लाइन में ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि बेरोजगारी बहुत बुरी चीज़ होती है, जो आप लोग जब झेल रहे हैं उसको, जब देख रहे हैं, जब एक बेरोजगार युवा जब इधर उधर भटक रहा होता है कोचिंग के लिए, किसी टीचर के पास या किसी गाइड के तलाश में, अच्छी किताबों की तलाश में, अच्छे एक मार्गदर्शक की तलाश में, गुरु की तलाश में, तब वह यह समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए। उस समय यह वास्तव में बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है, मतलब वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो उस परिस्थितियों में जब आपको संघर्ष तो खूब करना पड़ता है, वो अलग बात है। मुझे 2010 में मेरा PG पास आउट हुआ था, और 2011 में जॉब लग गई थी, लेकिन फिर भी ये जो छोटा सा दौर था उसमें मैंने बेरोजगारी क्या होती है, कैसे भटकाव की स्थितियां होती है, और किस प्रकार समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है, वो वास्तव में बड़ा संघर्ष का दौर होता है। और जैसा कि आप लोग बहुत सारे साथी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी। तो संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। धन्यवाद सर, दो मिनट काम, दो मिनट जाता है। हाँ सर, अभी दो मिनट में ही आते हैं। अभी प्रिंसिपल सर भी हैं, ये प्राचार्य महोदय हैं, जैसा कि शायद आपको परिचय नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ राजकीय कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ के प्रिंसिपल भी हैं वर्तमान में। अभी दो ही मिनट में अपने बीच वापस आते हैं, ऐसा कोई इमीडिएट कॉल आ गया था। सर ने आपको अभी क्या बताया कि मेरे जीवन में संघर्ष के दिन बहुत थे। कभी अभ्यर्थी सोचते हैं कई बार कि हम बेरोजगार हैं, प्राइवेट संस्थाओं में भटकते फिर रहे हैं, क्या करें? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस महान शख्सियत ने भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, और बहुत ही कम पैसे में, और कुछ तो प्राइवेट काम इस तरह के किए हैं सर ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, कि उनकी मैं आपके सामने चर्चा करना भी ज़्यादा उचित नहीं समझता। इससे आप समझ सकते हैं कि इस शख्सियत ने
कितना संघर्ष किया है, कितनी समस्याएं झेली हैं, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। सर पुनः आ गए, धन्यवाद सर। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा अनेक दायित्वों का निर्वहन करने के कारण बीच में जाना पड़ा है। बहुत ही बिजी शेड्यूल में से मैंने इनसे टाइम लिया और अभी भी मैं पकड़ के लाया हूँ कि अब तो आपको बैठना ही पड़ेगा। घनश्याम जी से वादा कर लिया है और गुरुजी से वादा तोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। अभी मार्गदर्शक की बात कर रहे थे साहब, तो सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर बेरोजगारी के धक्के आपने देखे हैं, संघर्ष आपने किया है, तो आप ये बताओ पहली सफलता प्राप्त करके आपके इमोशन क्या थे, क्या अनुभूति हुई आपको जब आपका पहला रिजल्ट आया और आपका चयन हुआ, बताएं आप। सर जब मैं पहली बार तैयारी कर रहा था तो मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा 2010 में, क्योंकि पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी और जुलाई में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था जिसमें मैं 12th क्लास तक पढ़ा रहा था और इसमें 15 अगस्त फिर सितंबर 15 सितंबर को उन्होंने मुझे पेमेंट किया था और 16 सितंबर को, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक बेरोजगार की ये स्थिति होती है कि एक बार पेमेंट तो हो जाए, इस महीने का तो हो ही जाए कम से कम, तो 15 सितंबर को उन्होंने पेमेंट किया और 16 सितंबर को मैंने उनको अल्टीमेटम दिया कि अभी मैं 1 महीने और 5 दिन के लिए आपके पास नहीं आ सकता। तो उन्होंने छुट्टी देने से इनकार किया और मुझे मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उस 35 दिन में, एग्जैक्टली मुझे याद है 21 अक्टूबर जो बाय डिफॉल्ट मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, और 21 अक्टूबर के दिन एग्जाम होना था और मात्र 35 दिन मेरे पास थे। तो उस दौरान बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि लोग कई सालों से लगे हुए हैं, आपसे बहुत पुराने लोग हैं, आपको बहुत सारी भीड़ से कॉम्पिटिशन करना है, क्योंकि संस्कृत की ये विडंबना रही है इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब 300-500 से ऊपर अभी तक कोई पोस्ट हुई नहीं है। तो सेकंड ग्रेड में भी लगभग 500 के आसपास पोस्ट थी, फर्स्ट ग्रेड में तो मात्र 99 पोस्ट थी, कॉलेज लेक्चरर में 67 थी, तो 1000 पोस्ट एक साथ हों, उस वैकेंसी में मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो पोस्ट बहुत कम थी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी थी, मात्र 35 दिन का बहुत कम समय मेरे पास था, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ा। बहुत सारे लोग पीछे से या मुँह पे कह भी देते थे कि भाई तेरा कहाँ सिलेक्शन होना पड़ा है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे, अपने सकारात्मक रवैये पर और माँ सरस्वती पर पूरा भरोसा था, विश्वास था कि मैं अवश्य ही सफल होऊंगा। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन, दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि जीवन में दो रातें हमेशा ऐसी होती है, या तो आप फेल हो जाते हो या आप सफल हो जाते हो, दोनों ही रातों में आपको नींद नहीं आती है। और बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मुझे यूँ लगने लगा कि जैसे मुझे पंख लग गए हों, जैसे मैं ज़मीन पे नहीं चल पा रहा हूँ, मतलब इतनी खुशी थी कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी अधिक खुशी थी। और माता पिता की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, दोस्तों मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सफलता, वास्तविक सफलता वही है कि अगर आपकी सफलता आपके माता पिता को इतनी खुशी दे दे कि उनकी आंखों से आंसू झलक जाए, तो यह आपके जीवन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति सच्ची सेवा होगी। तो इसलिए जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे अपार खुशी थी, बहुत ही खुशनुमा माहौल था घर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जिस दिन चयन होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अतिशीघ्र आप लोगों का चयन हो और खुशी की वो रात आपके जीवन में भी आए कि सर की तरह आपको भी नींद नहीं आए। मैं तो ये चाहूँगा कि भले 2 दिन मत सो आप, लेकिन भगवान करे आपका चयन हो जाए। और चयन किन रास्तों से होता है वो सारा पिटारा अभी विष्णु जी से पूछेंगे, एक भी बात छोड़ेंगे नहीं इनसे, ये बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं। सर एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, मुझे ध्यान है कि स्कूल व्याख्याता में आपकी 26वीं रैंक थी। जी सर। थी ना। और मुझे ये भी ध्यान में है कि उस दौरान स्कूल व्याख्याता में चयन होना और फिर कॉलेज व्याख्याता वाली तैयारी, उस दौरान आपके ऊपर इतनी बड़ी समस्याएं आई, इतनी बड़ी पारिवारिक समस्याएं, वो बहुत एक तरह से आपकी दुखती रग को छेड़ने वाली बात होगी, लेकिन अभ्यर्थियों के हित के लिए मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या समस्याएं थी। दरअसल
साथियों मेरे साथ हुआ क्या कि सेकंड ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड की जब मैं तैयारी कर रहा था तो शायद ईश्वर ने भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे समझ लिया है या मुझे हमेशा अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलती रही है। सेकंड ग्रेड में भी जहां मेरी पोस्टिंग हुई वहां मेरे पास HM का चार्ज था, सारे काम करने पड़ते थे। 6 महीने तक तो ये समझ में नहीं आ पाया कि मैं डाकिया हूँ या फिर पियोन हूँ, कोई बाबू हूँ, कोई टीचर हूँ या HM हूँ। मैंने वैकेंसी कौन सी थी, एग्जाम कौन सी दी है, वो सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए। और उसके बाद में जब मैं तैयारी कर रहा था तो समय का हमेशा से अभाव रहता था क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। बावजूद उसके तैयारियां की और पोस्टिंग जो मिली वह भी मुझे पोस्टिंग मिली। जैसे आपको मैं वो वाक्य बताता हूँ, जब मेरा रिजल्ट आया उस वक्त, जब रिजल्ट आया तो मेरे पास मेरे साथी का फ़ोन आया, बोले तुम्हारे रोल नंबर बताओ, रिजल्ट आ गया है। तो मैंने उसको कहा कि भाई अभी तो मुझे रोल नंबर याद नहीं है। तो उसने कोई डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर इनसे कहीं से पता करके, वो रोल नंबर पता करके उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारी 26वीं रैंक आई है। तो मैंने एक बार तो उसको ये कहा कि यार सिलेक्शन होगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, पेपर बहुत शानदार हुआ था, लेकिन 26वीं रैंक आई है, ये सही है क्या, ये मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो मैंने तुरंत जहां मैं था वही मैंने कंप्यूटर पे चेक किया और जब सच सामने आया कि वास्तव में रिजल्ट सही था तो अपार खुशी हुई। उसके बाद में समस्याएं तो देखो सभी के जीवन में आती है, और उससे ज़्यादा समस्याएं जो आई वो कॉलेज लेक्चरर बनने के समय आई। वो कैसे कि जुलाई 2015 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी झालावाड़ में। उसके बाद जैसे समस्याओं का पहाड़ मेरे ऊपर टूटना शुरू हो गया। एक तो घर से 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर में चला गया था, फादर सीवियर हार्ट पेशेंट थे, बावजूद उसके वो मेरे साथ रहना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनका झालावाड़ में मन नहीं लगता, वो यहाँ बाजार में काम करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, तो इसलिए वो अपना कैसे से उनका बाजार में जाना था, घूमना फिरना था, उसके कारण उनका टाइम पास अच्छा हो जाता था, इसलिए वो जॉब छोड़कर मेरे पास रुकना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनका मन नहीं लगता था। क्योंकि पुराने लोगों के साथ ये बड़ी समस्या होती है, बुजुर्गों के साथ ये समस्या होती है कि वो अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहते, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। और उस वक्त जुलाई 15 में पोस्टिंग हुई, मात्र 3 महीने के अंतराल के बाद में बड़े भाई की डेथ हो गई और उसके नियति को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ भी मामला रुका नहीं, फिर 3 महीने बीते कि छोटे भाई की डेथ हो गई और दोनों भाइयों की जो डेथ हुई वो लास्ट में फाइनली ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ। काफ़ी लंबे टाइम तक इलाज चला, पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा, उसके बावजूद भी शायद उनको बचाने में सफलता नहीं मिल पाई। और 2014 की वैकेंसी थी कॉलेज लेक्चरर की जिसका फॉर्म मैंने भरा हुआ था, लेकिन मैं भूल चुका था कि मैंने कोई फॉर्म भी भर रखा है। 2015 इसी तरह निकल गया, 16 आ गया, जनवरी 10 जनवरी 16 मुझे एग्जैक्ट याद है, मैं सारे जो संस्कार वगैरह अंत्येष्टि वगैरह जो भी है क्रियाक्रम सारे करके मैं जब वापस झालावाड़ पहुँचा, स्कूल में पहुँचा, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था या इतनी छुट्टियां भी नहीं थी कि मैं छुट्टियां लेकर तैयारी कर पाऊँ। तो मैंने वहां पर जाकर सुबह से शाम तक स्कूल में रहना, बच्चों को पढ़ाना, सिलेबस करवाना, दिन में टाइम नहीं मिलने के कारण रात रात भर पढ़ना, और फिर जनवरी 10 को तैयारी करना शुरू किया। अप्रैल और जून में कुल मिलाकर 3 एग्ज़ाम हुए थे, 2 संस्कृत के लिए और 1 थर्ड पेपर जो GK का होता है। इस तरह 3 पेपर हुए थे टोटल। लेकिन जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन मुझे ये विश्वास हो गया कि अब सिलेक्शन हो जाएगा, अब सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जी, किन विपरीत परिस्थितियों में आपने कितनी अच्छी सफलता प्राप्त की, इससे बड़ी प्रेरणा विद्यार्थियों के लिए दूसरी नहीं हो सकती। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है दोस्तों, वरना कितने जीते और मरते हैं। जिंदगी हो तो हो किसी काम की, जिंदगी हो तो हो किसी काम की, वो जिंदगी किस काम की, जो हो मात्र नाम की, जो हो मात्र नाम की। विपरीत परिस्थितियों में पूरे राजस्थान में 6वीं रैंक प्राप्त करने वाली शख्सियत को
मैं नमन करना चाहूंगा और अब सीधे उसी सवाल पर आऊंगा कि सर ऐसा क्या राज है, ऐसे क्या मंत्र है आपके पास, ऐसे क्या मंत्र है कि आपकी हर परीक्षा में ही, ऐसा रहस्य क्या है कि हर परीक्षा में ही आपकी अच्छी रैंक आती है, क्या है सफलता का मूल मंत्र, विद्यार्थियों को बताएं। आपको लगभग 160 विद्यार्थी देख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता कोई बाय लक नहीं मिलती, बाय चॉइस मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं और आप सफल हो जाएंगे, बशर्ते कि आपको मैं दो मूल मंत्र बताना चाहूंगा आज सफलता के लिए। जो बहुत पहले मेरे इंग्लिश लिटरेचर के गुरुजी थे, लालचंद जी बोहरा, सीकर में ही संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते हैं, आदरणीय गुरुजी से मुझे दो बातें सीखने को मिली उस वक्त। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये दो सेंटेंस कहे थे, उस समय शायद मैं उनका मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ मुझे उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में उन दो बातों की से मेरी ज़िंदगी परिवर्तित हो गई, मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल गया। पहला जो सफलता का मूल मंत्र है, पहला जो आपको सेंटेंस वो याद दिलाता हूँ कि पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स वेयर यू आर, इसका तात्पर्य ये है कि आप अपनी पूरी की पूरी शक्ति को उस काम में झोंक दो जहां आप काम कर रहे हो। हालांकि उस वक्त वो सामान्य तरीके से इस तरह से बात करते थे कि मान लीजिए अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते वक्त भी आपने इतनी जान झोंक दी उसमें, या इतना तन मन से उस चाय को बना रहे हैं कि चाय पीने वाला एक बार तो कह ही दे कि अब जिंदगी में चाय तो बहुत बार पी है लेकिन ऐसी चाय कभी नहीं पी। वैसे ही अगर आप पढ़ने बैठे तो लोग आपको देखकर यूं कह ही दे, या आपकी पढ़ने के तरीके को देखकर यूं कह ही दे कि वास्तव में मैंने पढ़ने वाले तो बहुत देखे हैं। जैसे एक ईगो वाली या सेल्फ प्रेज वाली बात नहीं है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी, मेरे जब मेरी हमेशा से आदत रही है, जब मैं तैयारी करता था तो साथियों से डिस्कस जरूर करता था, शाम को साथियों से कंसल्ट करता था फोन पे। तो कई बार जैसे कुछ साथी पूछते थे कि चलो, जैसे कॉलेज लेक्चरर की बात बताऊं तो बोले चलो तुम्हें साहित्य से प्रश्न पूछ लिए जाए, तो साहित्य से प्रश्न पूछते थे, उनके मैं जवाब दे देता था अक्सर। तब उनको लगता था कि चलो साहित्य तो तुम्हारा अच्छा है, व्याकरण से पूछ लिए जाए, तो व्याकरण से प्रश्न पूछते उनके भी जवाब में दे देता था। अब कुछ टॉपिक ऐसे भी थे, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, 17 कवि थे और हर एक कवि की 30 से 40 रचनाएं थी, मतलब लगभग 350 से 400 रचनाएं थी, किसी कवि की कम थी किसी की ज्यादा थी, और उन रचनाओं को याद रख पाना, रट पाना, या और ऐसे ऐसे नाम थे कि जिनको आप कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ के, फिर भी उनको याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम था जी। लेकिन जब उनसे भी मुझसे प्रश्न पूछे जाते थे तो मेरे साथी अक्सर मुझसे ये कह भी देते थे कि भाई तू खाता क्या है, पढ़ता कैसे है, करता क्या है, वही तो वीक पॉइंट होगा, कहीं तो समस्या आती होगी। लेकिन मैंने अपने जीवन में हमेशा एक ही चीज सीखी कि पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स वेयर यू आर। दूसरा आपको एक वाक्य बताता हूँ, सेकेंड ग्रेड की जब मैं तैयारी कर रहा था तब संविधान का पोर्शन होता है उसमें, और मैं जिस साथी से कंसल्ट कर रहा था उसने मुझसे कहा कि यार इसमें संविधान की जो बहुत सारी धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, वो याद नहीं रहते, तो क्यों ना इनको छोड़ दिया जाए, इनसे मुश्किल से एक दो प्रश्न आएंगे और इनको छोड़ देते हैं, बाकी सिलेबस पर नजर करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। लेकिन मेरा दिमाग हमेशा इस मामले में उल्टा चलता था, मुझे लगता था कि अगर ये छोड़ दिया तो क्या पता सिलेक्शन छूट जाए। तो छोड़ना जैसे शब्द तो मेरी डिक्शनरी में थे ही नहीं, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन नहीं छोड़ सकता तो तैयारी कैसे छोड़ सकता था। और उस वक्त मैंने उन संविधान के अनुच्छेदों को, जो 395 अनुच्छेद थे, इस कदर याद किया, इस कदर उनको याद रखा कि आज भी लगभग 100-125 अनुच्छेद मुझे टिप्स पे याद हैं, बिना रिवाइज किए मैं आज भी बता सकता हूँ। तो ये सब देन है उस कॉन्फिडेंस लेवल की कि पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स वेयर यू आर, पहला सफलता का सूत्र यही है। दूसरा सूत्र जो आपको भयंकर से भयंकर, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में एनर्जी देगा जी, वो क्या है, उसके लिए एक सेंटेंस था कि इफ रैप इज इनएविटेबल एंजॉय इट। इनएविटेबल का मतलब होता है अपन टू श्योर, इट मींस
आपके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। इसके शब्दार्थ पर न जाएं, इस वाक्य का जो भावार्थ है उसको समझने की कोशिश करें कि यदि आपके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं और इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं कि आप चाहकर भी उनको बदल नहीं सकते, आप चाहे कितना भी रोने चीखने चिल्लाने से वो परिस्थितियां चेंज नहीं होने वाली, तो ऐसी परिस्थिति में रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डोंट क्राई, डोंट शाउट, बट एंजॉय इट, उसको एंजॉय करिए, उस क्षण को आनंद की अनुभूति लीजिए उस क्षण में। हालांकि ये कहना और मानना बहुत विपरीत है, मैं समझ सकता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यार विपरीत परिस्थिति में कोई एंजॉय कैसे करेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस सेंटेंस से ऐसी ही एनर्जी मिलती थी कि भले ही विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हो, क्योंकि गालिब का एक शेर याद आता है कि मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को यारो, मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को यारो, मगर जिस वक्त मनस्थिति बदली परिस्थिति खुद ब खुद बदल गई। इसलिए परिस्थितियां हमेशा इंसान के लिए दो चीजें लाती है, या तो परिस्थितियां इंसान को तोड़ देती है, या परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो आप अगर एनर्जाइज्ड हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आप नए रिकॉर्ड तोड़ देंगे, परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित बातें आप विद्यार्थियों को बता रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं वो आपने किया है, आपकी जो बातें हैं उन सारी बातों को आपने यथार्थ पर करके दिखाया है। और मैं अभी अभी आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय घनश्याम जी पारिक सर की तरफ से अभी अभी मैसेज आया है कि मैं आदरणीय विष्णु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर, हालांकि आप, ये आपकी महानता है कि आपके चैनल पर जिस प्रकार से आपने मुझे आने का मौका दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभ्यर्थियों के दिमाग में भी होता है कि क्या विपरीत परिस्थितियाँ समस्याएं बाधक बन सकती हैं? साथियों, आपने एक बात सुनी होगी कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अभी अभी मैंने कहा था कि परिस्थितियां या तो आपको तोड़ती है या परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जी जी, अरुणिमा सिन्हा की आपने कहानी सुनी होगी, कितनी विपरीत परिस्थितियों में जब दोनों पैर कट चुके थे उसके बाद उसने संकल्प लिया और एवरेस्ट नहीं दुनिया की सातों चोटियां उसने पार कर दिखाई। ऐसे जब आप महान विभूतियों या जो बड़ी शख्सियत हैं उनकी अगर जीवनी पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि विपरीत परिस्थितियों में ही अक्सर बड़े अचीवमेंट होते हैं। अक्सर आप बहुत बढ़िया शानदार एसी रूम में बैठकर अगर आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे या सोचेंगे, परिस्थितियां आपकी सारी अनुकूल हैं, तो आप कितना पढ़ पाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन नींद बहुत अच्छी आएगी। जी जी, इसलिए कहते भी हैं कमल अक्सर कीचड़ में ही खिलते हैं। तो परिस्थितियां बाधक तभी बन सकती है जब आप उनसे टूट जाते हो। जी, समाधान पर फोकस करें, समस्याओं पर कभी फोकस न करें, समस्याओं को नजरअंदाज करना सीखें, और जिस वक्त आप समाधान पर फोकस करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर होती है कि जिस चीज को हम गौर से देखते हैं या जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो जूम्ड इन हो जाती है। जी, धन्यवाद सर। अभी अभी जो नए लाइव आए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज हम एक महान शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, क्या है सफलता का राज, जान रहे हैं एसएन प्रोफेसर विष्णु कुमार शर्मा जी से। और आप सभी जो लाइव हैं, आपका बहुत ही तहे दिल से हम दोनों साथी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपने भी हमें मौका दिया है कि हम किसी न किसी माध्यम से समाज को कुछ दे सकें। और हमारे विशेष साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं, अभी मुकेश जी शर्मा लेक्चरर का मैसेज भी आ रहा था, बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की थी उन्होंने भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। सर, अब मैं, आप ये मान लो कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं आपका कोई साक्षात्कार लेने वाला नहीं हूँ, ये मान लीजिए कि मैं तैयारी करने वाला कैंडिडेट हूँ, तो मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न करूँगा कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर मैंने सुना है टीचर्स कहते हैं कि एक टाइम टेबल बनाइए,
एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए। मैं हमेशा इस मामले में थोड़ा सा विपरीत सोचता हूँ। मैंने कभी भी आज तक अपने जीवन में टाइम टेबल नहीं बनाया। कारण ये भी रहा क्योंकि टाइम टेबल उन लोगों को बनाना पड़ता है मेरे हिसाब से, या वो लोग टाइम टेबल बनाए जिनको कुछ टाइम अपनी तैयारी को देना है। मुझे तो नींद खुलने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ पढ़ना ही होता था। भले ही मैं स्कूल जा रहा हूँ, भले ही मैं कॉलेज जा रहा हूँ, भले ही मैं बाजार जा रहा हूँ, भले ही मैं खाना खा रहा हूँ, मैं हर वक्त पढ़ने की सोचता था। और ऐसे ही कुछ तरीके मैं अपनाता रहता था जिससे कि मैं हर वक्त पढ़ता रहूँ। और इसलिए टाइम टेबल मैंने कभी नहीं बनाया। और मैं भी आपको, अगर आप चाहें तो आप मेरे इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आप कभी टाइम टेबल ना बनाएं, आप अपने सिलेबस को डिवाइड करें। मान लीजिए आपके सिलेबस में टोटल जीके सब्जेक्ट सबके मिला के मान लीजिए 90 टॉपिक हैं, 90 टॉपिक हैं, और 3 महीने का आपके पास समय है, तो एक टॉपिक पर डे के हिस्से में आता है। यह आपने सुना होगा किसान वाली वो कहानी है जिसके 4 बेटे थे, एक लकड़ी का गट्ठर था, एक एक देता है, सब एक साथ नहीं तोड़ पाते, लेकिन एक एक लकड़ी देता है, तोड़ देते हैं। वैसे ही हमारे साथ होता है, हम पूरे सिलेबस को जनरली क्या करते हैं, एक साथ देखते हैं, या फिर कुछ टाइम टेबल। जैसे अक्सर मेरे पास फोन कॉल्स भी आते हैं अभ्यर्थियों के कि सर हम रोज 2 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, 4 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और उसमें समस्या क्या आती है, जो लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जिनको सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ना होता है, मेरे हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से हो सकता है वो कर भी लेते हों, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे तो हर 3 घंटे से पहले घड़ी पर ध्यान रहेगा कि 3 घंटे तो नहीं हो गए कहीं, टाइम टेबल में अपना दूसरे सब्जेक्ट का टाइम तो नहीं हो गया। और शाम तक नतीजा ये होता है, भले ही हमने 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए हों लेकिन रिजल्ट सिफर होता है, याद कुछ नहीं रहता। इसलिए टाइम टेबल नहीं बनाए, टॉपिक डिवाइड करें। एक टॉपिक एक दिन का अगर पढ़ना है तो ये तय कर लें कि रात को सोने से पहले आपको वो टॉपिक इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा कि भले ही अगर टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो रात को नींद आनी नहीं चाहिए। आपने सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो चैन से सोने नहीं देते। तो अगर आपकी जॉब, अगर आपका कॉम्पिटिशन, अगर आपकी एग्जाम आपके लिए सपना है, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप उसको अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप उस सपने को एक दिन के लिए ना देखें, तब तक देखें जब तक कि आपका वह अचीवमेंट मिल नहीं जाए। तब तक रोज वह सपना देखें। आपको सुबह उठने से पहले आपके माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आना चाहिए वो वही आना चाहिए कि मुझे सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, कॉलेज लेक्चरर, नेट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी मुझे तैयारी करनी है। और वह आपके माइंड में हर वक्त रहे, भले ही आप खाना भूल जाएं, पीना भूल जाएं, इवन आप सब कुछ भूल जाएं, यारी दोस्ती घूमना फिरना सब भूल जाएं भले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा याद रखें एक वो चीज आपको याद रखनी है कि आपका सपना क्या है, आपको बनना क्या है, और आज का आपका टारगेट क्या है। पूरा सिलेबस आपका टारगेट कभी नहीं होता, आपका टारगेट आज के लिए सिर्फ एक टॉपिक है। और हमेशा याद रखिए कि काम की अधिकता नहीं मारती, अनियमितता मार देती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं तो एक दिन बड़ा काम कर जाएंगे। अगर आप रोज एक एक टॉपिक करके पढ़ रहे हैं तो 3 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे। भले ही वो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, जितने टॉपिक है उसके हिसाब से हमारे पास जितने दिन है उसके हिसाब से इसको सिलेबस को डिवाइड करें और इस हिसाब से आप तैयारी करें, 100% सफलता आपको मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बड़ी बात कही है आपको। बहुत से लोग कहेंगे कि टाइम टेबल बनाओ, लेकिन विष्णु जी आपको क्या कह रहे हैं कि टाइम टेबल के बंधन में मत पड़ो आप, क्योंकि टाइम टेबल वो बनाता है जो पूरा टाइम पढ़ाई को दे ही नहीं पाता है। आप पूरा टाइम पढ़ाई को दें, क्योंकि सर ने क्या कहा अभी कि मैं टाइम टेबल बनाता क्या, मैं तो पूरा टाइम पढ़ाई को ही दे रहा था। बहुत बड़ी बात है ये, और ज़्यादा सुनने का मौका आज सर से ही ज़्यादा सुनेंगे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम बोलना पड़े। और सीधे अगले सवाल पर आता हूँ, अभी एक मैसेज भी आ रहा था कि सर आप बताओ आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी थी, क्योंकि विद्यार्थी के मन में रहता है कि हो सकता है विष्णु जी की हमेशा ही बहुत अच्छी रैंक आई है, तो कौन कौन सी किताबें इन्होंने पढ़ी होगी या कितनी किताबें पढ़ी हैं, हो सकता है घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो,
तो प्लीज आप एक बार बताएं कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं आप। दोस्तों अभी अभी स्क्रीन पर एक मैसेज और देख रहा था कि मैं आज तो याद कर लेते हैं लेकिन 10-15 दिन बाद में भूल जाते हैं। ये मैं पूछने ही वाला हूँ, ये सर पूछने ही वाले थे। और सर ने वास्तव में आज पता नहीं मेरा पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो निकालने की कसम खा रखी है। मतलब वो छाट छाट के प्रश्न आप लोगों के लिए इकट्ठे कर रखे हैं कि जो आपके जहन में आ रहे हैं या आने वाले हैं वो सर पहले से इकट्ठे करके बैठे हैं और इसलिए आपके शायद सभी शंकाओं का समाधान सर आज जानना चाह रहे हैं। अब मैं कितना आपको बताने में सफल हो पाता हूँ, आपको कितना दे पाता हूँ वो तो आप ही लोग निर्णय कर पाएंगे, लेकिन जितना मैंने आज तक अपने प्रयासों से किया है वह और जो मैं अब तक करके आया हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ उसको बताने में बिल्कुल भी मैं कंजूसी नहीं करूँगा। आपको मैं पूरा जितना मैं बता सकता हूँ आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। वापस सर के प्रश्न पे आते हैं जी जी, कि कितनी किताबें पढ़ी और पढ़ा हुआ भूल कैसे जाते हैं, दोनों प्रश्न एक ही साथ ले लेते हैं। साथियों ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किताबें बहुत ज्यादा पढ़ लेना सफलता की कुंजी नहीं है, सफलता की गारंटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा थर्ड ग्रेड 2008 में मैं 3 नंबर से फेल हो गया। अभी तक सिर्फ सफलताओं के बारे में आपको सर ने अवगत करवाया है, लेकिन 2008 में मैंने एक बहुत बड़ी असफलता झेली थी और सिर्फ 3 नंबर से थर्ड ग्रेड में मैं फेल हो गया था। और उस वक्त आपको यकीन नहीं होगा सेकेंड ग्रेड से लेकर कॉलेज लेक्चरर तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी है उनसे ज़्यादा किताबें मैंने उस अकेली थर्ड ग्रेड में पढ़ी थी और रिजल्ट फेलियर था। बहुत सारी बार ऐसा देखने को भी मिलता है, स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर कितना पढ़ें क्या पढ़ें, कोई लिमिट तो नहीं है। और ये सही भी है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और उसको सीमाओं में बांध पाना संभव भी नहीं है, लेकिन एक चीज होती है कि सा विद्या या नियुक्तये, हालांकि वाक्य इस तरह से है सा विद्या या विमुक्तये, ये आर्ष वाक्य है वैदिक वाक्य है कि विद्या वह जो मोक्ष दिला दे, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें परम लक्ष्य मोक्ष होता है। लेकिन हमारा परम लक्ष्य तो पढ़ करके सा विद्या या नियुक्तये सिद्ध करना है, नियुक्ति लेना है। इसलिए नियुक्ति के लिए हमें विमुक्ति वाली विद्या नहीं पढ़नी है, हमें वो मैटर पढ़ना है जो हमारे गुरुजन हमें सजेस्ट करते हैं। जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के जो भी सफल गुरुजन हैं उस सेक्टर के, जो भी आपके अच्छे मार्गदर्शक हैं उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए। उससे आपको ये लाभ होगा कि आप वो चुनिंदा चीज़ें पढ़ पाएंगे जो आपको वास्तव में सफलता तक ले जाती है। इस बात को यूँ समझें, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी बात आती है कि 1 महीने तक लगातार पुस्तकें पढ़ना और किसी एक विद्वान व्यक्ति से, उस विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति से 1 घंटे तक बात करना लगभग समान है। जैसे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं उससे बढ़िया है कि उस विषय के विशेषज्ञ से एक बार पूछ लें। तो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ अपने अपने हिसाब से अपनी बुक्स सजेस्ट करते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर आज किसी विषय की बात नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिक बुक्स के रूप में कक्षा 6 से 12 तक की बुक्स लें और BA MA लेवल की बुक्स ले लें। उनमें भी सारी बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी हमें नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है, हमें उस सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उससे रिलेटेड उस टॉपिक को पढ़ना है जी। तो सबसे पहले तो पुस्तकें कितनी पढ़ें इसका कोई मापदंड नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता आपको 10-15 पुस्तकें पढ़नी है, 25 पढ़नी है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी के लिए मैंने 25 से 30 मूल पुस्तकें पढ़ी थी। जिस जिस पुस्तक का नाम सिलेबस में था वो सारी बुक्स मैंने पढ़ ली। तो पुस्तकें कितनी पढ़ें ये कोई मापदंड नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आप BA MA या 12वीं क्लास तक के स्तर की पुस्तकें पढ़ें। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा साथ ही साथ कि पूरी पुस्तक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। उस सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक को उस पुस्तक से पढ़े और उस टॉपिक
को, जैसे मान लीजिए आपने छठी क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ा, तो उसी टॉपिक को आप 6 से लेकर बीए तक की किताबों तक पढ़ते रहे, एक ही टॉपिक को एक बार में। ऐसा नहीं है कि पहले छठी क्लास की बुक्स पूरी पढ़ दी, सातवीं की पढ़ ली, आठवीं की पढ़ ली, ऐसा नहीं करना है। एक टॉपिक 6 से लेकर बीए तक की सारी किताबों से लेकर पढ़ लिया, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप उस विषय के इतने अच्छे विशेषज्ञ बन जाएंगे जितना मैटर आपको किसी भी अन्य बाजारू पुस्तक में मिलना संभव नहीं है। इसलिए पुस्तक जरूर पढ़ें। कुछ गाइड्स मार्केट में अच्छी आती हैं जिनको आप देख सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन उनका कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे विद्वान साथी भी हैं जो लेखन कार्य कर रहे हैं और उनका काफी वर्षों का अनुभव उनमें देते हैं वो। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात बताई सर ने। आप इसको सीधी सी गणित है कि पौष्टिक खा लो आप, बहुत ज्यादा मत खाओ, क्योंकि ज्यादा खा लोगे तो उसको मेरे जैसे के लिए भी पचाना मुश्किल होता है, तो थोड़ा कम और पौष्टिक ले लो आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सारांश ये था सर की बात का। दूसरी एक बात अपने बीच में रह गई थी कि याद किया हुआ भूल जाते हैं। हाँ, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो, याद किया हुआ भूल तब जाते हैं जब याद करते ही नहीं है। समस्या तो ये है कि हम रटते हैं तो भूल जाते हैं, याद किया हुआ भूला नहीं जाता। मुझे याद है 2010 में मैंने अनुच्छेद याद किए थे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, शास्त्री में मेरे पास 2 पेपर संस्कृत के, एक इंग्लिश लिटरेचर का था ऑप्शनल में, कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैकग्राउंड में नहीं है। लेकिन जो उस वक्त पढ़ा था लगभग आज से 10 साल पहले, वो पॉलिटी लगभग आज भी याद है। तो पढ़ने का तरीका क्या हो, आपको मैंने कहा 6 से BA तक की बुक्स पढ़ें, बुक्स को एक साइड रख लें, एक साइड में पेन और कॉपी लेके बैठें और उस टॉपिक से रिलेटेड अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। नोट्स हमेशा शॉर्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टॉपिक पर एक रजिस्टर भर डाला, उससे क्या होगा, आप मैटर तो इकट्ठा कर लेंगे लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए नोट्स एकदम शॉर्ट बनाएं, एकदम सारगर्भित बनाएं, काम की कोई भी बात है उसको छोड़े नहीं। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, जब आप उसको लिखेंगे तो लिखने से काफी हद तक याद होता है जी। फिर उसके बाद में जिस भी टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं, हो सके जहां तक संभव हो सके उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ लें। टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक के प्रश्न पढ़ लें, उससे क्या होगा, हो सकता है आपको वो प्रश्न तो समझ में नहीं आए, उनके उत्तर तो आप नहीं दे पाओ, लेकिन उससे एक चीज बहुत अच्छी होगी कि आप उन प्रश्नों को पढ़ के पढ़ने का आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आप ये समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जी। फिर उसके बाद में जब टॉपिक पूरा हो जाए तब उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को फिर हल करें। पिछले एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं या और जो प्रश्न संभावित बन सकते हैं उनको आप पढ़ें। फिर उसके बाद में ये तो हुआ एक बार का प्रोसेस, जब आपने एक बार उस टॉपिक को पढ़ दिया, फिर उसके बाद में मंडे से सैटरडे तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जिस भी टॉपिक में पढ़ा है, संडे को नया कुछ न पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ संडे को 6 दिन में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें, नया न पढ़ें। क्योंकि नया हासिल करने से पहले ये बहुत जरूरी है, जो हमने हासिल कर लिया है, याद कर लिया है, उसको सहेज लें, उसको सेव कर लें, उसको सुरक्षित रख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हुआ पढ़ने का तरीका, याद परमानेंट कैसे रहेगा? जो आपने पढ़ लिया, हो सके जहां तक आपका कोई ऐसा एक साथी ढूंढ ले जिससे आप रोज शाम को कंसल्ट करते हो सके आप उसको पढ़ाते हो, तो उस टॉपिक पर उससे गहन चर्चा करें, तो आपका वो टॉपिक इतना चिर स्मृति में चला जाएगा कि आप भूलने जैसी समस्या को शायद दोबारा ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जी। जी सही कहा सर आपने, बहुत अच्छी बात थी आपकी। अभी थोड़ा सा लीक से हटकर आप मेरे प्रश्न चुरा रहे हैं, वैसे मैं अभी पूछने वाला था आपसे कि नोट्स कैसे बनाएं, लेकिन अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न आया लीक से हट करके थोड़ा, कि सर हाउसवाइफ तैयारी कैसे करें, थोड़ा इसके बारे में आप पहले, किसी देवी ने पूछा है कि हाउसवाइफ तैयारी कैसे करें, समय कम मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बार इस तरह के मेरे पास फोन कॉल्स आते भी हैं, और अक्सर मैं इस तरह के स्टूडेंट्स को, आपको बताऊं, एक बार तो मेरे पास फोन आया जी जी
जब हाउसवाइफ की बात आ गई तो मैं आपको इस प्रश्न का जिक्र करना चाहूँगा। किसी विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मैंने उसको कहा तो समस्या क्या है, तैयारी करो। तो बोला नहीं सर, समस्या ये है कि मेरा अभी अभी सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। तो वही विपरीत परिस्थिति वाली बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ईश्वर हमेशा इसी तरह की प्रेरणा देता रहता है या इस तरह की प्रेरणा मिलती रहती है कि हर एक नेगेटिव पहलू में, हर एक विपरीत परिस्थिति में मुझे कुछ पॉजिटिव नजर आता रहता है। और मैंने उसको यही कहा कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है, आप बेड रेस्ट पे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो ये आपके लिए विपरीत परिस्थिति नहीं है, ये आपके लिए मौका है। इसको समझने के लिए आप खाली, आपको नजरिया चेंज करना पड़ता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। चीज एक जैसी होती है लेकिन हर एक व्यक्ति उसको देखने का अलग नजरिया होता है। तो वो आप आराम से बेड रेस्ट पर रहें और वहां बैठे बैठे किताबों से दोस्ती कर लें, आराम से उनके साथ में वक्त बिताएं और इतना उन किताबों में डूब जाएं कि आप अपना जो भी समस्याएं हैं, दर्द है, वो सब भूल जाएंगे। इसलिए आप उनसे लगाव कर लें। दूसरी बात आती है हाउसवाइफ्स की, हाउसवाइफ कैसे तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा दिन तो टाइम काम में निकल जाता है। हालांकि ये समस्या केवल हाउसवाइफ्स के साथ में नहीं है, जो लोग बेरोजगारी में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जैसे मैंने भी जॉब करी थी या स्कूल में पढ़ा रहा था सेकंड ग्रेड के वक्त भी, तब भी तैयारी करनी थी, छुट्टियां मेरे पास भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से छुट्टियां लेकर बैठा हुआ था। तो सर ने अभी बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, दो मिनट में ही आ रहे हैं सर वापस। एक तो कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर संस्कृत में क्या पढ़े रीट के लिए, तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हालांकि सर ने अभी मुझे कहा था कि आप मेरी किसी पुस्तक या इस तरह के प्रचार मत करना, वरना लोग सोचेंगे कि ये दोनों विज्ञापन करने आए हैं, लेकिन आपके बार बार जो मैसेज आ रहे हैं उनको देखते हुए इस वीडियो के अंत में विशेषकर जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए 5 मिनट के लिए सर से समय लेंगे और आपका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। और रही बात हाउसवाइफ की, अभी साहब बता रहे थे सर कि हाउसवाइफ पढ़ सकती हैं, हाँ समय जो टाइम है वो मैनेजमेंट उनको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी देवियों को हम भी प्रणाम करते हैं। बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो RS IAS बनती हैं, उनके बाल बच्चे भी होते हैं, विभिन्न समस्याएं उन्होंने देखी हैं। तो हाउसवाइफ जो हैं उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन आप जब नौकरी लगेंगे तो सभी खुश होंगे। आप जब नौकरी लगेंगे हाउसवाइफ जो हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और जो ससुराल वाले हैं वो भी बहुत खुश होंगे, PR वाले भी बहुत खुश होंगे, और आपके जो गुरुजी हैं वो भी खुश होंगे। तो आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लो, हाउसवाइफ जो पसंद था उसके लिए बात। हाँ, मैं माफी चाहूंगा बीच में बार बार डिस्टर्ब होना पड़ रहा है, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है कि अतिरिक्त कार्यभार है। खैर वापस आते हैं अपनी बात पर कि हाउसवाइफ तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप तैयारी करने के लिए एक थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ सर। जी सर, बहुत मैसेज आ गए इससे पहले भी कि सर तैयारी कैसे करें, ऐसा क्या कारण है कि आपने इस प्रश्न पर इतना ज्यादा गौर फरमाया, इस पर आप बहुत ज्यादा जोर कैसे दे रहे हो, क्या रीजन क्या है किस प्रश्न पर? ये हाउसवाइफ तैयारी कैसे करें, लगता है आप उनके जज्बे से काफी प्रभावित है। मैं इसलिए प्रभावित हूँ दोस्तों, मेरी एक स्टूडेंट थी, जब सर ने प्रश्न पूछ ही लिया तो मुझे बताना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरी एक स्टूडेंट थी और वो लगभग जब भी इस तरह से हताश निराश होती थी तो मुझे फ़ोन करके पूछ लिया करती थी कि सर मैं ये परिस्थितियां हैं मेरे साथ, मैं कैसे तैयारी करूं। मैं उसको जैसा भी मुझे संभव हो पाता था मैं उसको मोटिवेट करता रहता था, बताता रहता था, नए नए तरीके अपनाता रहता था। जी, जी। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि स्टूडेंट्स की ज़रूरत को देख कर नए तरीके ईजाद करने पड़ते हैं, क्योंकि पहला और आखिरी उद्देश्य एक ही है, सफलता तो प्राप्त करनी है, कुछ भी हो जाए लक्ष्य तो प्राप्त करना है। दुनिया की कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई समस्या मुझे रोक नहीं सकती, सफल तो मैं होकर रहूंगा, ये जज्बा आप में होना चाहिए। तो ऐसी ही एक स्टूडेंट थी जिसने घर वालों से, ससुराल वालों से बिना मर्जी के सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर दिया, बिना मर्जी से कैसे जैसे अपने पति से
बुक मंगवा के, जो जो बुक्स मैंने उसको सजेस्ट की थी उस टाइम, जो जो बुक्स बताई थी वो बुक्स मंगवा के पूरे दिन भर तैयारी कर नहीं पाती थी। ससुराल में काम ज़्यादा था, बच्चे छोटे थे, रात रात भर जाग कर वो पढ़ती रहती थी। लेकिन क्योंकि उसका जज्बा और उसकी जो हिम्मत है उससे देखकर मुझ में भी जोश आ जाता था और मैं उसको नई नई चीज़ें बताता रहता था। और वो उसने पूरी रात रात भर पढ़कर तैयारियां शुरू की। उसको कुछ ऐसे तरीके मैंने बताए थे जो मैं आपको भी आज बताऊंगा। तो और फाइनली उसका सिलेक्शन भी हो गया, आज वो सेकंड ग्रेड में नौकरी कर रही है जी। तो जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ उस दिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि जब एक विद्यार्थी सफल होता है तब एक विद्यार्थी सफल नहीं होता है, दरअसल एक गुरु सफल होता है, दरअसल एक माता पिता सफल होता है, दरअसल उसका एक समाज सफल होता है। तो इसलिए बात कर रहे थे कि आप यूं करें, टाइम जितना आपको बुक्स के साथ में मिलता है उस टाइम को आप इस कदर मैनेज करें कि कुछ आपके नोट्स या जो आपको रटने वाली चीज़ें हैं, जैसे आंकड़े हैं, जनसंख्या के आंकड़े हैं, या कुछ आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं संविधान के, या और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रटने ही पड़ते हैं, उनको आप एक पेज पर लिखें और उस पेज को आप ऐसी जगह चिपका दें, ऐसी जगह सेलो टेप वगैरह से ऐसी जगह लगा लें जहां आपका थोड़ा भी टाइम निकल रहा हो। जैसे आप हाउसवाइफ हैं तो खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तो जहां भी आप उसमें टाइम दे रहे हैं उसके सामने चिपका दें। उससे क्या होगा कि आप खाना बनाते रहें आराम से और सामने, क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था मुझे तो उठने से लेकर रात को सोने तक पढ़ना होता है जी, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, और वैसा ही आपको करना है जी। तो आप खाना बना रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं। कई बार मान लीजिए आप ऐसी कंडीशन में है कि आप एक जगह बैठे नहीं है, एक जगह ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे हैं, तो चलते फिरते या घूमते फिरते भी आपको पढ़ना है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो आपको इजी वे में एक दो बार पढ़ते ही याद नहीं हो पा रहे हैं उनको आप मोबाइल में साउंड रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लें जी, और ईयरफोन लगा के आराम से घूमते रहें। हो सकता है, मैं तो आपको तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब बताता हूँ तो इस तरह के जवाब भी आते हैं कि सर मकान किराए का है, मकान मालिक चिपकाने नहीं देता, या आस पड़ोस के मोहल्ले वाले देख कर क्या सोचेंगे कि ये तो बावली हो गई है, तो पागल हो गई है, तो कि या फिर लोग मारवाड़ी में कहें तो ये तो कह देते हैं हाँ कि ओए गरसी घर का हूँ नाम रोशन पागल हाँ देखा वो नहीं हूँ पहली मैं भी गणाई पढ़िया हाँ, और ऐसे ऐसे लोग आपको उपदेश दे देंगे जो आज तक अभी सफल ही नहीं हो पाए, वो भी आपको ज्ञान देने पहुंच जाएंगे कि यहाँ का तरीका कौन बताया था मैं होशियार की पूंछड़ी हाँ, आई हो रही है होशियार की पूंछड़ी है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन हमेशा याद रखिए कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों को काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोगों की परवाह किए बिना आप अपने काम में लगे रहें और जिस दिन सफलता आपको मिलेगी, जो लोग आज आपके बारे में ये कह रहे हैं कल वही लोग एग्जाम्पल देंगे आप लोगों, आप लोग उनके लिए उदाहरण बन जाओगे, कल वही कहेंगे कि देखो उसको खाना बनाते हुए भी पढ़ती थी, घूमते हुए भी पढ़ती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, उसका तो सिलेक्शन होना ही था। जो लोग आज आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन होना पड़ा है, ऐसे सिलेक्शन होते हैं क्या? हमने बहुत देखे हैं पढ़ने वाले, बहुत लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो ही आपको एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। इसलिए बहुत श्यामी है, बहुत अच्छी है, ये तो शुरू से सिंसियर है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट एक्चुअल में समस्या ये है, इंटेलिजेंट वो नहीं है जो बहुत पढ़ता है, इंटेलिजेंट वो है जो सिलेक्ट होता है। तो आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो दुनिया के जो स्वर हैं वो अपने आप बदल देंगे। धन्यवाद सर। अभी दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो पूछा कि सर नींद बहुत आती है, दूसरा प्रश्न आप देखिए कि सर आप ये मत बताओ कि हम पढ़े कितने, आप तो ये बताओ कि सोए कितने। इस प्रश्न में मुझे ये लगा कि मुख्य टारगेट नींद लेना है, चैन करवाना नहीं, थोड़ा सा प्रश्न का एंगल थोड़ा सा चेंज करो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद मेरे जितना आलसी शायद मैं किसी और को नहीं मानता। सोने के मामले में बहुत आलसी हूं, लेकिन एक थोड़ा सा लीक से हटकर आपको एक बात कहूंगा। जैसे आपने शायरी सुनी होगी
कि कहते हैं लोग इश्क में नींद उड़ जाती है, कि कमबख्त कोई हमसे भी इश्क करे हमें नींद बहुत आती है। इस बात को आप यूं समझें कि अगर आपने किताबों से इश्क कर लिया, अगर आपने बुक्स से प्रेम कर लिया, अगर आपको मोहब्बत हो गई अपनी किताबों से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नींद आना तो दूर की बात, आपकी पलक नहीं झपक सकती। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। समस्या ये है कि दो तरह की समस्याएं होती है, एक तो लोगों को किताब पढ़नी नहीं आती, कैसे पढ़े यही पता नहीं होता, और दूसरी समस्या ये है कि हमारी बैठने की आदत नहीं है, नींद नहीं आती। उसका तरीका बताता हूं, आप पढ़ते रहे जितना इजी वे में आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं पढ़िए, हर आधे घंटे के बाद या हर एक घंटे के बाद में आप भले ही 2 मिनट 5 मिनट टहल लें, थोड़ा सा घूम लें, मुंह धो लें, थोड़ा सा इधर उधर होके आ जाए, 2-5 मिनट का आप ब्रेक दें हर एक घंटे के बाद में हो सके तो। उससे क्या होगा कि आप हर एक घंटे के बाद में रिफ्रेश हो जाएंगे। आप कंटिन्यू अगर बुक्स में देखते रहते हैं तो आंखें भारी हो जाती है जी, जी आंखों में जलन फील होना शुरू हो जाती है, आप लंबी देर तक नहीं पढ़ सकते, रात को लेट नाइट तक पढ़ नहीं पाते। मैं आपको बताऊं, मैं जब तैयारी करता था तो शाम को 7-8 बजे अगर बैठा हूं पढ़ने के लिए तो मुझे ये पता नहीं चलता था कि रात कब बीत गई। कभी कभी तो क्योंकि घड़ी में कभी साथ लेकर नहीं बैठता, वो जुनून था सर आपका, जज्बा था, क्योंकि मैं, मेरी बुरी आदत है जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ टाइम देखकर नहीं बैठता, मैं टॉपिक देखकर बैठता हूँ। जब तक वो टॉपिक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, भले ही टॉपिक जल्दी पूरा हो गया तो मैं जल्दी सो जाऊंगा, मैंने कोई कसम नहीं खा रखी इतनी देर तक रात को पढ़ना ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका टॉपिक पूरा हो गया, आपको नींद आनी है, जब भी आपको सोना है, जितनी बजे आपको नींद आनी है उस वक्त आप बिना अलार्म लगाए सोए। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं, नींद वाले टॉपिक पर ज्यादा बात ना करें तो ज्यादा ठीक रहे, वरना दिशा चेंज हो जाएगी। नहीं फिर भी थोड़ी सी संक्षेप में, संक्षेप में पूरा करूंगा कि आप अलार्म लगा के नहीं सोए, उससे क्या फायदा होगा, हो सकता है आपकी नींद बहुत लेट खुले, दोपहर तक खुल पाए, लेकिन जब भी आप उठेंगे एकदम रिफ्रेश पाएंगे, माइंड रिलैक्स मोड पे होगा, और पिछली रात की नींद, वरना क्योंकि इस तरह से अगर रातों को जाग जाग कर पढ़ने लग गए तो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। जी जी, नींद लेना बहुत जरूरी है, नींद उतनी ही जरूरी है। जब भी भूख लगे आराम से भरपेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कम खाना खाओ नींद कम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से खाना खाओ, आराम से पढ़ने में मन लगाओ, जितनी नींद आए सो, लेकिन जब भी उठो तब भी एक ही ख्याल आए कि बस मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। सही बात, नींद की ज्यादा चिंता मत कीजिए आप, और नींद पर इतना फोकस भी मत करो, जितनी शरीर को आवश्यकता है आप ले लीजिए। सर अगला मैं प्रश्न कर रहा था कि अभी प्रश्न आ रहे थे कि सर मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता, क्या करें बताओ? अभी 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 मैंने जिस बात का जिक्र किया जी, जी कि मन नहीं लगता है, तो मन इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम पढ़ना सीख जाते हैं, जब हम अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं, और पढ़ना कब आएगा, पढ़ेंगे कैसे, मन कैसे लगेगा, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद में किसी साथी से कंसल्ट करें, टॉपिक पूरा होने के बाद में वो जब आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है पहले दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करें, धीरे 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 2-4-5 दिन में आपकी स्थिति ये बन जाएगी कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से उसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे जी। उससे क्या होगा, उससे आपको एक इंटरनल एनर्जी मिलेगी। मोटिवेशन दो तरह की होती है, मारवाड़ी में कहूँ तो सीधा सीधा, एक तो कोई और वास्ते लगा देता रहे और एक वास्ते खुद के लागेड़ी हुए। तो इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, अंदर से जो आग लगी हुई होती है वो कभी बुझ नहीं सकती, वो कभी कम नहीं हो सकती जी। तो आग अंदर से लगाएं, बाहर से नहीं। तो इसलिए आप जब मन लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, और वही जवाब आपको इंटरनली मोटिवेट करेंगे कि आप और ज्यादा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे जी। जी सही कहा सर आपने। सर अभी एक प्रश्न भी आ रहा था कि सर हमारे थोड़ा याद कम होता है, ऐसा कोई, ऐसी कोई दवा है क्या आपके पास कि विद्यार्थियों के थोड़ा याद ठीक हो जाए, कुछ बताओ आप, याद कम होता है? दवा ऐसी तो कोई नहीं है, मेमोरी कैप्सूल तो ऐसा कुछ नहीं है, और दवाइयों से याद होता भी नहीं है जी। जी लोग कहते हैं बादाम खा लो अच्छा याद होगा, शंख पुष्पी पी लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मन लगाकर पढ़ते हो तो सूखी रोटी खाकर भी बहुत अच्छा याद हो जाता है,
और जब मन नहीं लगता तो बादाम खाने के बाद भी याद रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप मन लगाकर पढ़ें, जब मन लगाकर पढ़ेंगे उसको बार बार डिस्कस करेंगे तो हमेशा अच्छे से याद रख पाएंगे, मोटिवेट रहेंगे उसको पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल याद रहेगा। मुख्य बात जज्बे की, सोच की, विचारों की है। नौकरी वो भी लगते हैं जिनके घर बादाम तो बहुत दूर की बात है, आटा भी नहीं होता है कई बार, क्यों सर? ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और विपरीत परिस्थितियों में ही ऐसे अक्सर बड़े बड़े अचीवमेंट आपने सुना भी है। जी सर ने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि एक ऑटो ड्राइवर का जो बेटा है वो IAS बनता है। जी जी। एक फुटपाथ पर रहने वाला है उसका बेटा डॉक्टर बनता है। तो ये सब कहाँ से संभव हुआ? ये सब जुनून और जज्बे की बातें हैं। अगर आप जुनून और जज्बे के साथ पढ़ते हैं तो हमेशा सफलता आपको मिलनी ही है, ये तय है। अभी एक प्रश्न आ रहा है कि JP सर रीट के लिए कितना पढ़ें? चाहे रीट के लिए पढ़ो, चाहे कोई सी ग्रेड के लिए पढ़ो, भले ही RS IAS के लिए पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना आपका मन कह रहा है और आप में जितनी ताकत है, योग्यता है, पूरी ताकत झोंकिए। आप स्वयं को नियमों में मत बांधिए कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है। अपना पूर्ण योगदान आप पढ़ाई को दें। अभी जो प्रश्न आ रहा था उसका जवाब है। अभी मैं वापस सर के पास, अंतिम 10 मिनट में इस वीडियो को हम समाप्तेंगे, इस लाइव संवाद को। शायद समय ज़्यादा हो गया है, आप लोगों का रुझान है इसलिए हम इतनी देर बने रहे, बाकी सर बहुत व्यस्त हैं। सर कई बार विद्यार्थी जो है उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है, क्या शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वो भी आपकी तरह कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, आपकी जो मार्कशीट्स हैं, ये केवल आपके अतीत का परिणाम है। आपके भविष्य का निर्माण वर्तमान की नींव पर किया जाता है और वर्तमान में आप कितनी मेहनत करते हैं उससे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। तो शैक्षणिक रिकॉर्ड ऐसी कोई बाधा नहीं है। शैक्षणिक रिकॉर्ड तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम है। आपके इतिहास में, अतीत में आपने क्या किया, कितना पढ़ा, उसका परिणाम है। आपका भविष्य इससे तय नहीं होता कि आपने पिछले टाइम में कितना पढ़ा है। इसका तय, इसका निर्धारण आपका वर्तमान करता है कि आप अब कितना पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छे से तैयारी करते हैं, कितना मन लगाकर पढ़ते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, 3rd Division बाई ग्रेस पास होते हैं और बाद में IAS बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने भी देखे होंगे। तो शैक्षणिक रिकॉर्ड मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार से आपको सफलता में चुनौती दे नहीं सकता, बाधा नहीं है। जी बहुत सही बात कही सर आपने। और अभी अभी एक प्रश्न आया कि सर परीक्षा में प्रश्न ऐसा लगता है कि हमें आ रहे हैं लेकिन आते आते गलत हो जाते हैं, क्या 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 करें? अभी अभी एक प्रश्न आया। उसका एक ही कारण है कि हम, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हम अगर टॉपिक को पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो अच्छी तैयारी हमारी हो जाती है। एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जी। और क्रिकेट कैसे खेला जाए, ये बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं कि क्रिकेट कैसे खेले, या मान लीजिए साइकिल कैसे चलाएं, कार कैसे चलाएं, इसके बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं, लेकिन कभी भी कार चलाई नहीं, स्टेयरिंग पे कभी बैठे नहीं, तो क्या आप कार चलाना सीख जाएंगे? मेरे हिसाब से शायद ऐसा संभव नहीं है। जब तक कि आप खुद स्टेयरिंग पर नहीं बैठेंगे, जब तक कि आप खुद काम नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हमारी पढ़ाई के साथ है। जब तक कि आप पढ़ने के बाद में बहुत सारे प्रश्न, उसके पिछले जितने भी एग्जाम में पेपर्स हुए हैं उनके प्रश्नों का समाधान नहीं कर लेंगे, जब तक आप उसके संभावित जितने अधिक प्रश्नों का समाधान नहीं करेंगे, जितने ज़्यादा मॉडल पेपर्स आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रैक्टिस अधूरी है। और प्रैक्टिस अधूरी होने के कारण, लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपके वो प्रश्न आते हुए गलत हो जाते हैं। अगर आपके प्रश्नों का अच्छा संकलन आपके पास है, अच्छा आपने प्रश्नों में अभ्यास किया है, तो निश्चित ही यह समस्या आपके साथ नहीं होगी। जी सर, अभी अभी मैसेज आया था कि सर लग नहीं रहा कि एक घंटा हो गया, हम दोनों को भी नहीं लग रहा है कि एक घंटा हो गया और कुछ मैसेज भी आ रहे हैं कि सर थोड़ा और जारी रखो। बीच में मात्र थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अभी अभी एक मैसेज आया पूजा जी का, पूजा जांगीड का। साथियों ये वो लड़की है जिसका, ये हमेशा पास में जाकर के रह जाती थी और ईश्वर की कृपा से इसका चयन हुआ। एक बार सरकारी विद्यालय में जब मैं स्कूल व्याख्या था, बिना बताए ये लड़की वहाँ चली गई थी और कहा सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और क्या करूँ।
गुरुजी ने जो रणनीति बताई सेम मैंने इस लड़की के ऊपर फॉलो की थी, ये जो बेटी है पूजा जांगिड़ और आज वरिष्ठ अध्यापक है और बहुत जल्द कॉलेज व्याख्याता भी होगी, आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। अभी अभी उसका मैंने मैसेज देखा इसलिए बीच में मैंने सर आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी माफी चाहूंगा आपसे सर। बहुत बहुत बधाई हो पूजा जांगिड़ आपको, अपने एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर, जेपी जी मेरे परम मित्र भी हैं, साथी भी हैं और काफी लंबे समय से उनके साथ मुझे काम करने का मिल रहा है और अभी सौभाग्य से हम दोनों एक ही कॉलेज में भी हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इनके साथ रहकर कॉलेज में काम करने में कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, काफी अच्छा अनुभव है इनके साथ में और काफी सहयोगपूर्ण व्यवहार इनका रहता है और इनका जो मार्गदर्शन है मैंने देखा है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो बहुत बार असफल हो चुके हैं इन्होंने उनका मार्गदर्शन किया है और उन्होंने सफलता प्राप्त की है, कई बार मैं भी इनसे मोटिवेट होता हूँ तो काफी अच्छा मार्गदर्शन इनसे मिलता रहता है आप लोगों को, आप सौभाग्यशाली हैं। मेरे ऊपर ज्यादा हो जाएगी बात, मेरे में जो कुछ भी है वो घनश्याम जी की देन है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, आपने सुनी होगी वो बात तो। जी हाँ, तो सर अभी लास्ट में एक तो दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक तो संस्कृत रीट के लिए बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि क्या पढ़े, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये काम करने का हमारा कोई व्यावसायिक पर्पज नहीं, हमें एक पैसा भी इस काम से नहीं कमाना है। ये वीडियो हमारे खुद के जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो भी बार बार मेरे से निवेदन कर रहे थे कि सर आप दोनों एक दिन आपकी सक्सेस स्टोरी बताओ ताकि हम मोटिवेट हों, क्योंकि BA करके बच्चे MA करके निकलते हैं तो वो प्रेरणा लेते हैं, तो हम आपके लिए भी और उनके लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं। कॉलेज के विभिन्न विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाएगा जो कि आदर्श गुरु से, इन आदर्श गुरुजी से प्रेरणा लें। सर आप ये बताएं, एक अभी छोटा सा प्रश्न आ रहा था कि विभक्तियां याद नहीं होती, शॉर्ट में बताएं जी। संस्कृत में विभक्तियां याद नहीं होती, विभक्तियां याद नहीं होती उसके लिए तो मैंने वैसे शायद एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा और बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी एक ट्रिक होती है जिससे आप आसानी से विभक्तियाँ याद कर सकते हैं, उसके लिए पूरा वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा, तो वो आप, मैंने जो YouTube चैनल बना रखा है जी, उस पर आप विजिट कर सकते हैं संस्कृत विद विष्णु कुमार शर्मा और उसमें आपको विभक्तियों के लिए बिल्कुल वो मिल बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी काफी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और शायद विभक्तियों के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए। हाँ सर, इसलिए 5 मिनट में इसको समाप्त करते हैं। रीट के लिए विद्यार्थी संस्कृत के लिए पुस्तक पूछ रहे हैं। रीट के लिए आप साथियों कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं जी, और उनमें भी सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ें जो कि आपके सिलेबस में है। 6 से 12 में तो बहुत सारी हैं, इन सब जी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बीच में बता दूं, ये बताएंगे नहीं, सर ने भी रीट की गाइड निकाल रखी है, नाथ पब्लिकेशन की प्रोफेसर अश्विन प्रोफेसर विष्णु कुमार शर्मा के नाम से, तो ये नहीं कहेंगे लेकिन मैं कहूँगा, मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा, कि आप उस पुस्तक को एक बार देख लें और आपको लगे कि कुछ दम है तो ही खरीदें, अन्यथा मत खरीदें आप। हाँ सर जी। साथियों जैसा कि अब सर ने आपको बता दिया है, हालांकि मैं ऐसा कोई पुस्तक का प्रसार यहाँ नहीं करना चाह रहा था लेकिन पूछ रहे हैं बच्चे बार बार, साथी ने बताया है आपको तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जो जिन पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं 6 से 12 की पुस्तकों का निचोड़ जी जी उसमें डालने का मैंने प्रयास किया है और आपको जो शिक्षण विधियों में सबसे ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि व्याकरण का पाठ उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वह जो प्रश्न आने हैं वो तो गद्यांश पद्यांश से आने हैं, उनमें समस्या नहीं आती, शिक्षण विधियों में अधिक समस्याएं आती है। तो शिक्षण विधियों में आप वहां से, आपको बहुत अच्छा प्रयास मैंने अपनी तरफ से किया है, प्रयास कितना सफल रहा कितना अच्छा रहा ये तो आप उसको पढ़कर ही बता सकते हैं, उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा जी। अभी कुछ साथी कह रहे हैं बुक कहाँ मिलेगी, तो बुक आपको वैसे तो
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या कॉन्टेक्ट नंबर जो बुक के लिए हैं, ऑनलाइन बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ऑल राजस्थान बुक स्टोर्स जो हैं उन पर बुक उपलब्ध है और आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो जी जी जी, और कुछ विद्यार्थी हिंदी के लिए भी पूछ रहे हैं, हिंदी के लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा। और मेरे से आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आदरणीय घनश्याम जी पारिक के बराबर मेरी औकात नहीं है, मैं स्वयं उनकी ही पौध हूँ, आप पहले उनका मार्गदर्शन लें और मेरी आवश्यकता हो तो मैं तैयार हूँ, मैं कभी भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आज तो विष्णु जी का ही जो वीडियो है, जो साक्षात्कार है, वो हम सुन रहे हैं। सर लास्ट एक मिनट में आप ये बताएं कि विद्यार्थियों को आप चंद शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे चुनिंदा शब्दों में। साथियों, आपको सिर्फ दो ही लाइन में इसका जवाब दूंगा। पहली, जो अभी वैसे मैं जिक्र कर चुका हूं, कि पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स वेयर यू आर। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान लें कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में मुझे एक बात याद आ गई, बहुत सारे साथी अभी पूछते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी सामने है, रीट की भी सामने है, इनके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। उसके लिए जैसा सर कह रहे हैं, आपको अलग से वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन अब तैयारी एक बार में एक चीज की करें, बहुत अच्छे से करें, उसमें पूरा दें, अपना 99 कभी ना दें, क्योंकि अगर आप रिजल्ट 100% चाहते हैं तो अपनी सफलता के लिए 100% ही प्रयास करें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। दूसरा, परिस्थितियों का रोना कभी ना रोएं। जी जी, परिस्थितियां इतनी विपरीत कभी नहीं हो सकती कि आपको तोड़ दे। विपरीत परिस्थितियों में आप कुछ ऐसा कर दिखाएं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आज ऐसा कुछ करें कि लोग आपके एग्जाम्पल दें कि इन्हें देखो, इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आप लगे रहें। विपरीत परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप पूर्ण मनोयोग से तैयारी करें और आप जिस भी परीक्षा में बैठे, जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, ये सोचकर न करें कि इस बार नहीं तो अगली बार वाली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जी जी, मैं माफी चाहूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करता जनरली, लेकिन जो शब्द, जो विद्यार्थी इस तरह सोचते हैं कि अगली वैकेंसी तो मेरा हो ही जाएगा या इसमें तो पोस्ट बहुत कम है, पोस्ट एक ही चाहिए आपको। जी, अगर वो 100 है तो भी आपको एक पे पोस्टिंग मिलनी है, और अगर वो 1000 है तो भी पोस्टिंग एक पे ही मिलनी है। जी जी जी, इसलिए पोस्ट कभी कम नहीं होती, आपकी जरूरत से हमेशा ज्यादा होती है। बस ये आपका जज्बा और जुनून है कि आप अपनी जगह कहाँ बनाते हैं। तो तैयारी करें, पूर्ण मनोयोग से करें, और आप जिस भी परीक्षा में बैठे आप सफल हों, यही ईश्वर से मनोकामना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में आपको कहना चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, जिंदगी की रूबरू ये किस्तियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो, जिंदगी की रूबरू ये किस्तियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो, छा जाए सिकंदर सा गुरूर, छा जाए सिकंदर सा गुरूर, तो गांव में गरीब की झोंपड़ी देखा करो, जिंदगी की रूबरू ये किस्तियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें, आपके मुंह से निकलने वाले जो शब्द हैं उनसे पता चलता है कि आप कितने सकारात्मक हैं। आप पॉजिटिव रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आदरणीय विष्णु जी को कि मेरे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार करके, जहाँ 5-10 मिनट का समय नहीं देने की बात हो रही थी, वहाँ मैंने सर का लगभग 1.25 घंटा ले लिया। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा आपको, और हम दोनों ही आदरणीय घनश्याम जी को नमन करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और एक प्लेटफॉर्म हमें दिया। गुरु जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और ये जो श्रोतागण हैं आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय, चाहे आपके लिए फायदेमंद ही क्यों ना हो, लेकिन हमें दिया, हमारे ऊपर विश्वास किया, हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। फिर मिलेंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और घनश्याम जी पारिक का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आप जब भी कभी किसी समस्या में अपने आप को पाएं और जब भी आपको समाधान की आवश्यकता महसूस हो, तो
आप जरूर याद करें, और जैसा भी संभव हुआ मैं सर और वैसे आदरणीय गुरुजी के रहते आपको शायद किसी तरह की समस्या होगी नहीं, क्योंकि घनश्याम जी पारिक के बारे में मैंने वास्तव में काफ़ी सुना है, और अभी तक हालांकि मुझे उनसे रूबरू मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है, बाकी सुना बहुत है। तो वास्तव में हम सभी के आदरणीय हैं गुरुजी, और ये साथियों आप दोनों का, हम साथियों का प्रेम था, व्यवहार था, और ये मेरे लिए सौभाग्य था कि मैं आपसे रूबरू हो पाया, और आप लोगों का प्यार था कि मैं 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए आपसे रूबरू होने वाला था, लेकिन सवा घंटा कब बीत गया मुझे भी पता नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।